हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज फिफ्थ डे है, फिफ्थ हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा मैं तुम सबके साथ। जो लोग इस चैनल पे नवे हैं उन सबको बताना चाहूंगा, इस चैनल पर हम 10 डेज 10 हॉरर स्टोरीज का चैलेंज कर रहे हैं, उसका फिफ्थ डे आज। एंड काफ़ी सारे कॉमेंट्स आते हैं, बट लास्ट वीडियो पर एक मेरा सब्सक्राइबर है ब्लैक FFYT3356, इन्होंने 100 कॉमेंट्स करे, मीन्स अ लॉट मेरे भाई। आपने जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, बस ऐसे ही अप्रिशिएट करना, ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा लाइक, स्टोरीज़ को एंड तक सुनना, एंड बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा टारगेट है 30K सब्सक्राइबर्स का एट द एंड ऑफ दिस चैलेंज। तो क्या हम वो पूरा कर सकते हैं? डिफ़िकल्ट है, बट ट्राई करेंगे। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे हॉरर किस्से जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर किए जा सकते हैं, तो ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा आप सबके साथ शेयर करने का। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ अभिनव ने शेयर करी है। अभिनव और सूरज ये दो दोस्त हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। अब अभिनव और सूरज दोनों प्लस टू के एग्जाम्स दे रहे थे और इनके प्लस टू के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। तो अभिनव ये डिसाइड करता है कि यार हम दोनों कहीं घूमने फिरने चलते हैं, हमारे प्लस टू के एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए हैं। एंड अभिनव के जो पेरेंट्स थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो कुछ कुछ साल में इधर उधर ट्रांसफ़र उनका हो जाता था। एंड अभी जो अभिनव के पेरेंट्स थे वो कहीं और चले गए थे क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया था। बस अभिनव यहाँ रह रहा था रूम रेंट पर लेकर, क्योंकि उसके प्लस टू के एग्ज़ाम्स थे। अब उसका भी ये डिसाइडेड था कि वो अपने मॉम डैड के पास चला जाएगा वापस। तो इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं अभिनव और सूरज के, ये डिसाइड करते गए घूमने फिरने का। बट इसी बीच सूरज की फैमिली के बारे में बता देता हूँ। सूरज की फैमिली वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करती थी। सूरज की फैमिली में सूरज की मम्मी, सूरज के पापा और सूरज रहता था। तो सूरज की फैमिली ये डिसाइड करती है, उसके मम्मी ये डिसाइड करते हैं अपने बहन के साथ मिलकर, सूरज के मासी के साथ मिलकर, कि हम सूरज की ग्रैंड मदर के घर चलते हैं और वहाँ कुछ दिन बिताएंगे, सूरज को भी साथ ले जाते हैं। अब वो सूरज को ये चीज़ बताते हैं कि हम तेरे ग्रैंड मदर के यहाँ जा रहे हैं तो तू भी चल। तो सूरज अपने फ्रेंड अभिनव को कहता है कि यार अभी तो हम इधर उधर घूमने नहीं जा पाएंगे, कुछ दिन में तू अपने पेरेंट्स के पास चला जाएगा, तो एक काम करते हैं मेरे गाँव चलते हैं, तू भी मेरे गाँव चल, बहुत बड़ा घर है मेरी ग्रैंड मदर का और वहाँ रूम्स काफ़ी सारे हैं, हम बड़े मज़े करेंगे। तो अभिनव भी मान जाता है। अभिनव, सूरज, सूरज के मम्मी और सूरज की मासी, ये चारों लोग अब ग्रैंड मदर के घर चले जाते हैं सूरज के। अब जिस सिटी में वेस्ट बंगाल की सूरज की फैमिली रहती थी वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर उसके ग्रैंड मदर रहते थे। अब वो एक रिमोट एरिया था, वहाँ ज़्यादा घर नहीं थे, जंगल का एरिया था एंड लोग भी बहुत कम थे। मतलब तुम ये लगाओ कि हम अगर गिने वहाँ के लोगों को तो 2 या 3 मिनट में सब गिन में आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 लोग, इतने ही लोग थे वहाँ। क्योंकि सारे के सारे लोग मेन सिटीज़ में चले गए थे अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन देने, जॉब्स करने, तो गांव में बहुत कम लोग रह गए थे। अब उस गांव में एंटर जब करते थे तो ना एक अनबिल्ट घर था, 2 फ्लोर का घर बनना था बट उसका दूसरा फ्लोर अनकम्प्लीटेड था, वो आधा ही कंस्ट्रक्ट हो रखा था और वो मतलब पूरा का पूरा टूटा फूटा सा था, वो बंद रहता था। अब उस घर के बारे में बोला जाता था कि ये एक हॉन्टेड हाउस है, यहाँ साहे वगैरह रहते, यहाँ से रोने की आवाज़ें आती है और काफ़ी लोगों ने ये ऑब्जर्व करा है। पर काफ़ी गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि ये सब कहने की बातें हैं, हमने कभी नहीं सुनी कोई आवाज़, पर कुछ लोग कहते थे कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं। अब ये बात सूरज ने और अभिनव ने भी सुनी कि यार ऐसी ऐसी बात है। अब अभिनव इंडिया के काफ़ी जगह ट्रांसफ़र उसके डैडी की हुई थी तो वो काफ़ी जगह रहकर आया हुआ था। तो अभिनव को ना ये सुनते ही बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यार हम चलेंगे इस घर के अंदर, एक बार देख कर आएंगे, अनकंस्ट्रक्टेड सा था कि एक बार जाएंगे देख कर आएंगे। सूरज ने बहुत मना करा क्योंकि सूरज इन चीज़ों में बिलीव करता था, पर ये रहने लगे वहाँ, दिन वगैरह बीतने लगे। अब गांव का माहौल ऐसा था कि दिन में जब धूप होती थी तो मेन सिटी से सड़क से काफ़ी दूर था वो घर, वो गाँव, तो ना आवाज़ें वहाँ आती नहीं थी, तो सन्नाटा रहता था। धूप में भी, चमकती धूप के बीच में वो सन्नाटा होता था, हवा चलती थी, तो वैसे ही अकेले अगर कोई हो तो बहुत स्केरी सा माहौल हो जाता था। रात को हवाएं चलती थी, ठंडी ठंडी पेड़ों की आवाज़ आना, तो वैसे ही बड़ा ना स्केरी सा माहौल रहता था वहाँ। वहाँ ये 4-5 दिन रहते हैं। अब इनका लास्ट दिन होता है कि हम कल या परसों वापस वेस्ट बंगाल निकल जाएंगे, मेन सिटी अपने घर, सूरज की फैमिली का, ऐसा ये प्लान बनाते हैं। अब सेकेंड लास्ट डे अभिनव जैसे तैसे सूरज को कन्विंस कर लेता है, ब्रो हम जाएंगे उस घर के अंदर नहीं जाएंगे, ज़्यादा बाहर बाहर से देख कर आएंगे, मतलब कुछ थ्रिल कर कर आते हैं यार, मज़ा आएगा। वो सूरज को जैसे जैसे कन्विंस कर लेता है और ये दोनों चले जाते हैं। अब जैसे उस घर के पास पहुँचते हैं, मेन गेट होता है एक छोटा सा, उसको टपकर ही अंदर जाते हैं
और घर पूरा प्लस्तर भी नहीं हो रखा, अभी आधी जगह बन रही थी, पौड़ियाँ आधी बनी थी, अंदर रूम्स पे सिर्फ और सिर्फ ईंटें लगी हुई हैं, तो अनकंस्ट्रक्टेड सा घर था। तो ये दोनों इधर उधर घूमते हैं, थोड़ा बातें वगैरह करते हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं, सब बोलने की बातें हैं। एंड ना ये पौड़ियों से चढ़ते हुए ऊपर को जाते हैं। अब जब ये ऊपर को जाते हैं ना, तो अभिनव ना मन ही मन में सोचता है कि ऐसे ना एकदम से आवाज़ निकालूंगा, अभिनव आगे होता है और जो सूरज है वो पीछे होता है, ये पौड़ियों में होते हैं, कि मैं एकदम से आवाज़ निकालूंगा और इसे डराऊंगा। और जब ये एंट्री करते हैं ना घर के अंदर, तो मेन मतलब जो एरिया था आगे वाला, वहाँ पर ना कुछ कपड़े वगैरह भी पड़े हुए थे, जैसे लड़की के कपड़े वगैरह। तो ये दोनों ऊपर जा रहे होते हैं पौड़ियों के, एकदम से अभिनव ना ऐसे चीखता है पीछे को, एकदम से आवाज़ निकालता है चीखने की, ओ करके आवाज़ निकालता है। पर उससे पहले ही क्या होता है कि जब तक अभिनव मुड़ता, इतनी देर में जो सूरज था वो एकदम से गिर जाता है पौड़ियों से, और एकदम से आवाज़ निकालता है डरने की और गिर जाता है नीचे, और उसके पैर पे लग जाती है थोड़ी चोट। तो अभिनव दौड़ता हुआ जाता है और एकदम से ना सूरज चीख रहा है कि यहाँ कोई है, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, यहाँ कोई है जल्दी कोई चल। अभिनव कह रहा है मैंने आवाज़ निकाली थी, कोई नहीं है कोई नहीं, वो बस डरा हुआ है, बस रोने जैसी आवाज़ हो रही है, कह रहा तू चल, जय हनुमान जय हनुमान, बस भगवान का नाम लेने लगे, वो कह रहा तू चल चल यहाँ कोई है। और उसका शरीर इतना भारी हो गया सूरज का कि वो अपना पैर हिला भी नहीं पा रहा था। अभिनव ने मतलब पहले तक वो बोलता रहा कि यार मैं था, बट उसको इतना पैनिक देख वो डर गया, वो अंदर देख रहा, कह रहा यहाँ कोई है जल्दी चल, वो भी पैनिक हो गया, उसको जैसे तैसे उठाया और बस भगवान का नाम ले रहा वो, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। और दो मिनट बाद उसको अपना शरीर ठीक लगा कि हाँ मूव हो सकता है, ज़्यादा भारी नहीं है, वो जैसे तैसे वहाँ से निकल गए। अब रास्ते में जा रहे हैं, सूरज पसीना पसीना हो रखा है, कांप रहा है थोड़ा थोड़ा, और अभिनव बोल रहा है कि तुझे क्या हुआ था। सूरज बोल रहा है कोई एकदम से ऐसी शेडो सी मेरी तरफ आई दौड़ती हुई और एकदम मुझे धक्का दिया उसने। अभिनव को लगा कि अभिनव चीखा इसलिए वो गिरा, बट सूरज कह रहा तेरी आवाज़ मेरे को बाद में आई, पर मेरी तरफ कोई दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे धक्का दिया और मैं इसलिए गिर गया था नीचे। अब अभिनव को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच कह रहा है झूठ कह रहा है मजाक कर रहा है, बट ये घर चले गए, इन्होंने घर में किसी को नहीं बताया। अब ये रात को सोने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर गए, आंटी वगैरह ग्रैंड मदर वगैरह सब नीचे है, आंटी ऊपर आए इनको सुला के गए, दूध वगैरह दिया, तो ना आंटी वगैरह ने लाइट ऑफ कर दी और सूरज बोल रहा लाइट ऑन ही रखो लाइट ऑन ही रखो, पर आंटी वगैरह कह रहे तुम बच्चे थोड़ी हो, लाइट ऑफ करके नीचे चले गए। अब ये दोनों बात कर रहे हैं कि, और वो कह रहा है कि मत बात कर सूरज, इस बारे में मत बात कर मुझे डर लग रहा है, वो कांप रहा था लिटरली। तो कुछ टाइम बीता, रात के 2-3 बज गए, ये कुछ टाइम बाद सो गए और सूरज की आँख खुलती है और सामने विंडो है और विंडो के बाहर उसको एक औरत दिखती है। अब वो औरत इसकी तरफ देख रही है, सिर्फ देख रही है, और ये भी बस देख रहा है कि कोई तो बाहर है, मम्मी है मासी है मेरे ग्रैंड मदर है कौन है, बस ये भी देख रहा है बाहर। और 2-3 मिनट तक ऐसे घूरने के बाद जब इसने देखा कि वो लेडी स्माइल कर रही है इसको, बस हंस रही है इसकी तरफ देखकर, ये इतना ज़्यादा डर गया, उसके बाद आवाज़ भी नहीं आई, इसने जैसे अपने दोस्त को उठाने की कोशिश करी अभिनव को, ये फेंट हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी आँख खुलती है, अब पूरी की पूरी रात क्या हुआ इसके साथ इसको पता नहीं है, और ये सुबह उठ के अपने दोस्त अभिनव से पूछ रहा है यार मैंने रात को तेरे को उठाया, अभिनव कह रहा नहीं उठाया। अब ये इस उलझन में है कि जो रात को मुझे वो लेडी दिखी वो मैं ड्रीम देख रहा था या मैं एक्चुअल में उठा था, वो रियलाइज़ कर रहा है कि बहुत रियलिस्टिक था सब कुछ, बट मुझे नहीं पता कि मैं उठा हुआ था एक्चुअल में या मैं सोया हुआ था। और इसी उलझन में वो दिन निकलता है और ये निकल जाते हैं। अब अभिनव रेलवे स्टेशन जाता है, वहाँ से अपने फादर मदर के पास चला जाता है जहाँ वो मूव हुए होते हैं नवी सिटी में, एंड जो सूरज था वो अपने मम्मी पापा के साथ पहुँच जाता है वेस्ट बंगाल अपने घर। अब वो अपने घर में अपने रूम में रहता है और मम्मी पापा अपने रूम में रहते हैं, वो अकेला था उनका लड़का। अब रात होती है, रात को ये सोया हुआ है, अब ना इसके ना आँखें खुली हुई हैं, एक पोजीशन में इसका पूरा शरीर है। सूरज कह रहा ना मैं ये हाथ हिला पाया ना मैं ये हाथ हिला पाया ना मैं अपनी लाते हिला पाया, इनफैक्ट मैं अपनी पलके तक नहीं हिला पाया। और मुझे दिख रहा है एक औरत चल रही है इधर उधर, और वो दौड़ते हुए मेरे पास आई, मेरे इतने पास आकर चीख रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है चीख रही है, उसके मुंह पर निशान पड़े हुए हैं, मार के होंगे जैसे या पिटाई के होंगे, पर उसके मुंह पर निशान पड़े, वो रो रही है। और सूरज कह रहा मेरी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे हैं, और कहता ये चला कुछ देर और मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आ गई और वो रात चलेगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा, मैं अपने मम्मी के पास गया, मैंने अपनी मम्मी को बताया
मेरे साथ मम्मी रात को ऐसा हुआ और मतलब मैं नहीं सो सकता हूँ अकेला। और कहाँ पर है, रो रहा है अपने मम्मी को बताते हुए। आप कोई ऐसे सिंपली बोले तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा ऐसे करें कि यार मजाक होगा, तो डर मत, बड़ा लड़का है, क्यों डर रहा है। बट उसकी हालत देखे कि कहाँ पर है, रो रहा है बताते हुए और इतना डरा हुआ है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अकेले नहीं सोऊँगा। मम्मी पापा उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि हमारे बेटे को ऐसा ऐसा हुआ, आप देखो एक बार। डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को सजेस्ट करता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकेट्रिस्ट बताता है कि हो जाता है बच्चों के साथ ना, जब बच्चे इतनी ज़्यादा दुनिया देख लेते हैं, अलग अलग कंसेप्ट देख लिए, अलग अलग चीज़ें देख लिए, तो दिमाग किसी भी तरीके से काम करता है और हो जाता है। अब वो करने लग गया सूरज की काउंसलिंग कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सूरज बता रहा है मेरे साथ सिर्फ ये हुआ। अब सूरज अपने घर आया, रात हुई, वो डिसाइड करता है अपने मम्मी पापा के साथ सोऊंगा। बीच में सोया हुआ अपने मम्मी पापा के, और बीच में सोया हुआ आधी रात को उसकी आँख खुल रही है, हाथ पैर उसके जाम हो गए हैं और पूरे के पूरे जाम में बस वो ऐसे देख रहा है और एक औरत ऐसे घूम रही है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने हाथ से मम्मी को उठाए, अपने हाथ से पापा को उठाए, लात हिलाए, चीख मारे, कोशिश कर रहा है इनने कि नहीं। वो औरत एकदम पास आकर बस इसका मुंह पकड़ कर ऐसे हिला रही है, इसको उंगली दिखा रही है, रो रही है इसके सामने, चीख रही है, मुंह इतने क्लोजअप पर आकर कोई चीख रहा है और अजीब सा मुंह है और चल रही है, फिर रही है, ये सिर्फ रो रहा है, सिर्फ रो रहा है। और जैसे तैसे सुबह उठा, फिर से कुछ टाइम बीता और बस ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। उसने फिर अपने पेरेंट्स को बताया मेरे साथ रात को ये हुआ। साइकेट्रिस्ट के पास गए, साइकेट्रिस्ट को बताया। साइकेट्रिस्ट ने इनको बताया कि एक स्लीप पैरालिसिस नाम की चीज़ होती है, आपका बेटा उस चीज़ से गुजर रहा है। उस चीज़ में ऐसा होता है कि तुम सो रहे होते हो बट तुम्हें लगता है कि तुम उठे हुए हो और तुम्हारा कोई भी हाथ पैर मूवमेंट नहीं कर पाता और तुम्हें लगता है जो भी चीज़ें हो रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। बट इन सब चीज़ों से परे सूरज बिल्कुल ही पागल टाइप में होता जा रहा था। अब वो घर वालों से बात भी नहीं कर रहा था कि डॉक्टर कुछ कह रहा है, पेरेंट्स मुझे कुछ समझा रहे हैं, डॉक्टर कुछ कह रहा है, साइकेट्रिस्ट कुछ कह रहा है, बट एक्चुअल में जो रात को हो रहा है मुझे पता है। अब वो बोल भी नहीं रहा कुछ, बस रात को रो रहा है, दिन में चुप है, रो रहा है बस। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 10, 15, 25, 30 दिन निकल गए ये एक्टिविटी को होते हुए। इसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, पेरेंट्स भी डिप्रेस्ड हो गए। सूरज तो डिप्रेस्ड हो ही चुका था, ना वो बात कर रहा था किसी से, ना वो किसी को बोल रहा है, कोई आए बात करने तो अचानक से डर रहा है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा, कहीं नहीं जा रहा, घर में बंद करा हुआ उसने अपने आप को, बस रोता है। मम्मी के पास जाके कभी गोदी में लेट जाता है, रो रहा है। कभी रात को 3-4 दिन ऐसे निकले कि उसने आँखें ऐसी रखी अपनी कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं आँखें बंद नहीं करूँगा। फिर शरीर है ह्यूमन, सो जा रहा है, थक जा रहा है, फिर उसके साथ ही एक्टिविटीज़ हो रही है। उसके पेरेंट्स इतने डिप्रेस हो गए, उसको काफ़ी मंदिर भी ले गए, काफ़ी जगह मंदिर भी ले गए और माथा वगैरह टिकवा कर लाए, पर किसी से कंसल्ट नहीं करा उन्होंने, सिर्फ माथा वगैरह टिकाया। बस उनको लग रहा है कि शायद हमारा बेटा दिमागी प्रॉब्लम से गुजर रहा है किसी। अब कुछ टाइम बाद 1-1.5 महीना जब बीतता है, उसकी हालत इतनी ख़राब होगी, कमज़ोर हो गया, डार्क सर्कल्स पड़ गए, बात नहीं करता, अब डरा डरा रहने लग गया। अब सच में उसको दिमाग की प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, क्योंकि नहीं कर रहा किसी से भी इंटरेक्ट, कुछ भी नहीं कर पा रहा, डर रहा है, पूरे टाइम बस बैठा हुआ है। कोई उन्हें सजेस्ट करता है एक मंदिर की, बजरंग बली का मंदिर है, तुम यहाँ जाओ, यहाँ माथा टिकवा के लाओ तो आशीर्वाद रहेगा, तो ठीक रहेगा, डर निकल जाएगा आपके बच्चे का, वो ऐसा बताते हैं। अब इसके पेरेंट्स इसको लेकर जाते हैं उस मंदिर में, वहाँ उस मंदिर में ये 1-2 दिन स्टे करते हैं बिना किसी सोच समझ के कि यहाँ हम कुछ निकलवाने आए। उनको कुछ भी आइडिया नहीं कि बच्चे को क्या पता कुछ हो रखा हो, सिंपली वहाँ आके स्टे करते हैं। जिस टाइम वो वहाँ स्टे करते हैं, उन 2 दिन सूरज को कोई सपना नहीं आया। और जब ये पंडित जी के पास गए, हवन वगैरह यज्ञ वगैरह कराया, नॉर्मली क्या होता है तुम जाते हो माथा वगैरह टेकते हो और आ जाते हो, बट काफ़ी टाइम क्या होता है तुम स्पेशल पूजा करवाते हो कि हमारे नाम का यज्ञ करवा दो, हवन करवा दो, एक स्पेशल पूजा करवा दो भगवान के सामने कि परिवार में सब सही रहे। तो जब वो पूजा कराई तो जो वो पंडित था उनके ऊपर आते थे बजरंगबली, तो उन्होंने ना जैसे आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखा तो उन्होंने बोला आपके बच्चे के अंदर 2 चीज़ें रह रही हैं, एक आपका बच्चा और एक और चीज़ रह रही है। तो पंडित जी ने सिंपल बताया कि 2-3 दिन का एक पाठ होता है बजरंगबली का, वो पाठ करवाओ आप, वो पाठ वगैरह करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो पाठ वगैरह करवाया उन्होंने, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके बेटे के साथ एक आत्मा भी रह रही थी, वो जुड़ी हुई थी, और वो जुड़ी कैसे, आपके बेटे का ब्लड किसी चीज़ पर लगा है जिस कॉन्टैक्ट में वो स्पिरिट थी और वो चीज़ आपके बेटे के शरीर से टच हुई है। इस तरीके से दोनों जुड़ गए थे और वो हॉन्ट कर रही थी आपके बच्चे को, जो स्पिरिट पे बीता है वो सब आपके बच्चे पे बीत रहा था।
और आप लोगों ने इतने टाइम से अपने बच्चे का कोई इलाज नहीं कराया, किसी को नहीं दिखाया, जिस वजह से इसकी हालत तो और ख़राब हो गई है, और शायद कुछ दिनों में ये चीज़ें सह भी ना पाता और शायद मर भी जाता, इतनी हालत बुरी हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, वो तो किसी ने हमें सजेस्ट करा कि आपके मंदिर आकर बजरंग बली के यहाँ पर जो भी डरते लोग हैं, जिनको डर लगता है, वो यहाँ के माथा टेक के जाता है तो वो डर निकल जाता है। तो हम तो इसलिए आए थे, हमें तो अभी भी नहीं पता था कि पूजा वगैरह ये सब कुछ ऐसा हमारे बेटे के साथ हो रखा है। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ अब आपके बच्चे के साथ ठीक हो गया। तो बाद में लड़के ने बताया, सूरज ने, कि मेरे साथ जब मैं गाँव गया था, हम उस हॉन्टेड घर में गए थे और मुझे चोट लगी थी उस दिन, मुझे पहली बार ऐसा आभास हुआ था कि किसी ने मुझे धक्का मारा, और मैं जब गिरा तो मेरे पैर से खून आया था, चोट लगी थी, तो वहाँ कपड़े वगैरह गिरे हुए थे किसी लड़की के, तो उससे जो खून था उस पर टच हो गया था, जिसकी वजह से वो सूरज को अब तक हॉन्ट कर रही थी स्पिरिट। एंड फिर उन्होंने गांव वगैरह में पता करा, गांव वगैरह गए नहीं, पता वगैरह करा कि उस हॉन्टेड घर की क्या कहानी है। तब बाद में पता लगा कि जब वो घर वगैरह बन रहा था जिन्होंने बनवाया था, वहाँ कोई लेबर आंटी होंगे जो काम वगैरह कर रहे थे, उनके साथ किन्हीं दो तीन लोगों ने बदतमीजी करी थी और उसके बाद वो वहाँ से गिर के मर गए थे, वहीं कहीं से फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे ईंट वगैरह पर और वो मर गए थे, वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी स्पिरिट वहाँ पर हॉन्ट करती है। उसके बाद जब वहाँ काम कंटिन्यू हुआ था तो वो काम भी कंटिन्यू नहीं हो पाया था, जो भी लोग ऊपर काम कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाला, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर बिल्ड हो चुका था, सेकेंड फ्लोर वाली साइड पौड़ियों से ऊपर, तो उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो रही थी, तो लोगों ने वहाँ काम करने बंद कर दिया था, जाना बंद कर दिया कि ये जगह हॉन्टेड है, ऐसा कह के छोड़ दी थी वो जगह, इसलिए वो अनकंस्ट्रक्टेड थी। और उस जगह की उस लड़की की स्पिरिट सूरज के साथ थी और जो सूरज को हॉन्ट कर रही थी। तो यार ये किस्सा था, आप लोगों को क्या लगता है, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो इतने यूनिक है, अजीब से हैं, आपको लगता है कि सबके साथ शेयर होने चाहिए, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सबके साथ यहाँ शेयर करूँ। एंड मेरा 10 days 10 stories का चैलेंज है, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कराओ दोस्तों, 30K का टारगेट है, करते हैं कंप्लीट, मुश्किल है पर करते हैं कंप्लीट, हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। लाइक्स करो ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करते हैं, हो जाएगा सब कुछ। तो बस इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, मिलता है कल न्यू हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।